अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ऐसा कि बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, आप लोगों ने इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए हैं कि हमें ट्राउज़र और विंटर्स के जो ट्राउज़र और कैप्रीज हैं ना, उनके डिज़ाइन दिखाएं। ऑब्वियसली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे ही करते हैं। लाइक आप लोग अगर मेरे डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं तो ऑब्वियसली यार आप बार बार मेरा चैनल खोल के देखेंगे मैंने कोई वीडियो अपलोड की है या नहीं की, किस तरह के डिज़ाइंस आए हैं, किस तरह के नहीं आपको पसंद आए हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। उसके अलावा जी, मैं सर्दियों के कुछ कपड़े स्टिच किए थे तो मैं उनके डिज़ाइन लेके आई हूँ ट्राउज़र्स के। ये मैं एक दफ़ा सारे साइड पे कर देती हूँ, फिर एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ और डिटेल भी दिखाती हूँ कि किस किस तरह से बनाए। एक जी ये भी मैंने इंस्टाग्राम से ही देखा था, किसी ने पहना हुआ था, रेड कलर का डिज़ाइन था, लेकिन उसकी ना ये जो थी ना, ये सीढ़ी लेस कहते हैं इसे, पता नहीं सीढ़ी फीता कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, ये जो जालीदार वाला था ना सिर्फ, ये थोड़ा सा बड़ा था, इस तरह से लगाया गया था। ये मैंने भी किसी से, जाहिर सी बात है, वहाँ से देख के बनाया था। ये देखे ना, ये मैंने अलकरम से लिया है या बुनेंजा से लिया है सूट, और अभी ये एक दफ़ा भी ना वॉश किया ना ये पहना गया, स्टिच करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और दोनों में, दोनों साइड्स में ना कैप्री के आप डिफरेंस देख लें। इस दफ़ा तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है अलकरम के साथ ना। तो जी ये है एक डिज़ाइन, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा ऐसा हुआ है कि इसके साथ ना इस कलर की, टीपिंग कलर की, मैं ना लेस मैच करती रही हूँ अपने एरिया से। एक दो दफ़ा जब मैं बाहर गई हूँ, जहाँ तक गई हूँ कोई लेसेस वगैरह मैच करने, तो वहाँ से मैं इसके साथ करती रही हूँ तो वो नहीं हुई। ये घर से मुझे मिली है तो ये मैंने लगा दी है। अच्छा अब मुझे सिर्फ सीढ़ी लेस नहीं मिल रही थी, लेकिन ये देखें अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये इस तरह की लेस है, इस तरह की, ठीक है। और फिर मुझे सीढ़ी लेस नहीं मिल रही थी और मैंने डिज़ाइन यही बनाना था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, एक साइड ऐसे ही लगाई है और एक साइड को थोड़ा सा मैंने ना हाइड कर दिया, हाइड करके लगाई है तो कुछ इस तरह से लुक आई। और एक साइड से ही अगर लगाई है, दोनों साइडों से नहीं लगाई, तो ये लुक आ रही है। मतलब इस तरह से अगर आप डिज़ाइन एडजस्ट करना चाहें तो आप लोग ख़ुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा जी, अगर आप ऑर्गेन्जा डालकर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो ये मैंने ऑर्गेन्जा डालकर एक बनाया है ब्लैक ट्राउज़र। ब्लैक ट्राउज़र वैसे तो आप लोगों को सही तरह से डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं पकड़ के दिखाती हूँ कि एक एक प्लेट्स, प्लेट डाले हैं मैंने, ये देखें प्लेट डाले हुए हैं अंदर इस तरह से। और जो है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी प्लेट्स डाल सकते हैं। आप जितना ज़्यादा सूट की लुक खूबसूरत बनाना चाहते हैं ना, उतना ज़्यादा आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं ना आप कर सकते हैं। आप यहाँ चाहते तो वो फिर मेरे सारे सेम हो जाने थे, तो मैंने सेम बनाने की कोशिश नहीं की। लाइक मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ना सब डिफरेंट डिफरेंट हों, मेरे सारे ट्राउज़र्स और सारे सूट जो है ना वो डिफरेंट डिज़ाइन हुए हों। अच्छा जी, उसके अलावा जी एक मैंने ये की है ट्राउज़र स्टिच, ये भी आप लोगों को दिखाऊँ। ये ओवरलॉक होके आया है और मैंने अभी तक इसको जो है ना वो प्रेस नहीं किया था। मैंने सोचा मैं वीडियो बना रही हूँ, चलो आप लोगों को दिखा दूँ, किसी की हेल्प हो जाएगी। किसी कोई कपड़े स्टिच कर रही होती है, उसके पास कोई मशवरा देने वाला नहीं होता, तो चलो वो यूट्यूब से गाइडेंस ले लेते हैं। और अगर मेरी वीडियो देख रही हैं जो मेरी वीडियो से गाइडेंस लेती हैं, बहुत शुक्रिया, और इतना सराहती हैं मेरे काम को। अच्छा थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट आया, कल या परसों की बात है, मुझे एक कमेंट आया, बेटा आप बहुत अच्छा कर रही हैं, जो भी कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, खुश रहें, इस तरह से करके। मतलब जो उस उनका जो भी थी, खातून, आंटी थी, लड़की थी, जो भी थी ना, उनका कहने का स्टाइल इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा लगा, बिलीव करें। मैं सबको दिखाती फिरूँ। मैं अपनी सास के पास तब बैठी हुई थी, रात को पता नहीं क्या टाइम था, तो मैं उनकी खैरियत पूछने गई हूँ नीचे उनके रूम में ना, तो मैं उनके पास बैठी हूँ और मैं उनको भी बता रही हूँ ना कि मुझे इस तरह से कमेंट आया, तो वो भी इतना खुश हो रही हैं। तो यार ये आप लोगों का प्यार होता है, अगर आप एक आधा कमेंट करके आप लोग अपना प्यार शो कर दें तो हमें अच्छा लगता है। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। अच्छा जी, इस कैप्री को ना मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है, मतलब ये देखें ना, यहाँ से ज्वाइंट करते हैं, ज्वाइंट करने का ये वो है ना, लाइक ज्वाइंट है इसका कैप्री का, तो मैंने सिर्फ फ्रंट पे डाला है, ये देखें, ये बैक पे कुछ नहीं, ये फ्रंट आनी है, ये साइड पूरी फ्रंट पे मैंने डिज़ाइन लगाया है और बैक पे नहीं लगाया। और ये जब इस तरह से पहनी जाएगी ना, आधी उधर आधी उधर इधर ऐसे, बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये पहनी हुई, ऐसे आएगी ये आपकी लेग पे ऐसे, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी।
अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं ना, तो मैं आप लोगों को बना के भी ये दिखा सकती हूँ नेक्स्ट। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बना के भी दिखाया करूँ डिज़ाइन, क्योंकि कुछ इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कुछ लोगों को समझ नहीं आते। उसके अलावा जी एक ये डिज़ाइन है, लास्ट वीडियो में भी ये पूरे सूट का मैंने आप लोगों को दिखाया था। अगर आप लोग इस तरह से कोई बचा हुआ बॉर्डर जो आपके शर्ट से बच गया और वो इस पे एडजस्ट करना चाहते हैं ना ट्राउज़र पे, इस तरह से कर सकते हैं, दरमियान में ऐसे लगा के किसी तरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से किया, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग इस तरह का अपना लगा भी सकते हैं डिज़ाइन। उसके अलावा जी अगर ऑर्गेन्जा का उसके अलावा कोई डिज़ाइन बनाना चाहता है ना, तो इस तरह भी बना सकता है। ठीक है, ये है जी ऑर्गेन्जा लगाया हुआ है दरमियान में, और ये मैंने लिया तो रेडी टू वेयर था, लेकिन ये मैं कल बता भी रही थी घर पे कि ये इस तरह का डिज़ाइन बनाना, खुद बनाना बहुत आसान है। ऑर्गेन्जा, ऑर्गेन्जा के ऊपर पावर की ये दो लाइंस लगी हुई हैं, पावर मशीन नहीं होती जो कढ़ाइयों वाली होती है, यो पता नहीं अब ओवरलॉक वाली होती है यानी लाइक जिस पे कढ़ाइयाँ होती हैं ना, वो वाली मशीन जिस पे हम पैचेस वगैरह भी लगवाते हैं ना जिस मशीन पे, उस मशीन पे सीधी दो लाइनें हैं, ये तिल्ले की गोल्डन तिल्ला है ये, उसकी दो लाइंस है बस। ये आप लोग इस तरह से लगवा भी सकते हैं, ये देखे ना वो अगर पड़ा हुआ है वो ऐसे लग रहा है जैसे स्लीव की फिटिंग होती है ना। तो देखिए अगर आप अपने बाजू पे भी इस तरह से डिज़ाइन लगाना चाहते हैं या आप अपने दामन पे भी इस तरह से डिज़ाइन लगाना चाहते हैं ना, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। पावर से ऑर्गेन्जा पे दो लाइनें लगवाएं और यहाँ पे लेस लगवाएं। उसके अलावा जी आप लोग प्लेट्स डालना चाहते हैं, आप लोग वो ट्राइंगल्स लगाना चाहते हैं, आप राउंड शेप यहाँ पर देना चाहते हैं एक एक करके, तो वो भी आप जितना मर्जी जो है ना वो डिज़ाइन को। अब देखिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ तो मुझे कैमरे में नज़र आया, मैं साथ कैमरे में भी देख रही थी तो मुझे नज़र आया कि ये तो स्लीव बनी भी बड़ी अच्छी लगनी है। अब मैं किसी की ट्राई ज़रूर करूँगी, ये मेरा रेडी वेयर था, अब मैं खुद अपना कोई सूट स्टिच करूँगी ना, तो वो उसका मैं इस तरह से स्लीव और दामन बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगी। और सबसे आखिरी और प्यारी बात, कोशिश किया करें कि जो डिज़ाइन आप लोगों ने लगाया है ना शर्ट पर लगाया है, उसमें से कोई एक स्लीव्स वाला उठा के ट्राउज़र पे लगा लें अगर आप लोगों ने लगाना ही है तो, नहीं तो आप लोग मतलब शर्ट के दामन पे और लगा हुआ है और वो उस पर और लगा हुआ है, ट्राउज़र पे और लगा हुआ है, तो यार वो पता नहीं अजीबोगरीब ही डिज़ाइन बन जाते हैं, मुझे तो बड़े अजीब लगते हैं लगे हुए। आप या जैसे ये देखें, अगर ये बाजुओं पे लगाया आप लोगों ने और कुछ और तरह का आपने दामन पे लगाया है और किसी और तरह का आप लोग ट्राउज़र पे लगा देंगे तो बड़ा ही अजीब लगेगा, मैंने आ रही थी दुकान ही लगे थी। तो कोशिश किया करें डिसेंट लगे, अच्छा लगे पहना हुआ, वो आप पहना करें, ओढ़ा करें और डिज़ाइन किया करें। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।